हेलो टीम जुनून, करते हैं एनडीए जेई के लिए एक नई ट्रिक, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का शॉर्टकट कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट करते हैं क्विकली। पहले निकालते हैं ए डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो से खोलते हैं हम, टू आएगा तो थ्री बन जाए थ्री, ये जीरो हो जाएगा थ्री हो जाएगा, फिर माइनस आता है जीरो लेंगे नहीं, फिर माइनस वन, इसको नहीं लेते हैं, फाइव बन जाए फाइव, ये जीरो हो जाएगा तो फाइव, ये थ्री टू सिक्स माइनस फाइव, आंसर आएगा वन, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई वन। अब क्विकली करते हैं इसका एडजॉइंट निकालते हैं, कैसे, सेम क्वेश्चन उतारते हैं, पहले टू जीरो माइनस वन फाइव वन जीरो जीरो वन थ्री। अब क्या करना है आपको, सी वन सी टू, इसको अगेन एक बार उतारता हूँ, टू फाइव जीरो जीरो वन वन, फिर आर वन आर टू, इसको नीचे उतारता हूँ एक बार और, टू जीरो माइनस वन टू जीरो फाइव वन जीरो फाइव वन फाइव वन जीरो फाइव वन, फिर पहला और दूसरा, मतलब पहला रो और पहला कॉलम, इसको कैंसिल करते हैं। अब बनाते हैं मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज सॉल्व करते जाते हैं और यहाँ रोज वाइज लिखते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एडजॉइंट हमारा क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ रोज विद कॉलम या कॉलम विद रोज। ठीक है, तो इसको इससे करते हैं, थ्री वन या थ्री, ये जीरो आ जाएगा तो यहाँ थ्री आ जाएगा, फिर इसको इससे करते हैं तो माइनस वन, ये जीरो आ जाएगा तो माइनस वन, इसको इससे करते हैं जीरो रहेगा, ये माइनस एक और होता है तो माइनस में प्लस वन, वन हो गया। अब सेम ऐसे ही जीरो रहेगा, माइनस फिफ्टीन तो माइनस फिफ्टीन, सिक्स जीरो ये सिक्स, माइनस फाइव माइनस फाइव, ये जीरो है। अब फाइव वन जो फाइव, ये जीरो होता है तो फाइव जीरो, माइनस टू टू माइनस टू, यहाँ पे टू वन जो टू, ये जीरो तो आएगा टू, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या करते हैं, हम ए डिटरमिनेंट को डिवाइड करते हैं, ए डिटरमिनेंट क्या आया हमारा वन, वन से डिवाइड करेंगे तो वन ही आना है इसका, तो ये पूरा क्या आ जाएगा इसका, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा थ्री माइनस वन वन, ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा, तो ए इनवर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले इसका हम निकालते हैं ए डिटरमिनेंट, आर वन के रिस्पेक्ट में करते हैं तो टू आएगा, इसको नहीं लेते हैं, टू टू जो फोर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस होता है तो फोर प्लस सिक्स, फोर प्लस सिक्स नहीं, ये टू जो फोर फोर होगा और यहाँ प्लस सिक्स यानी टेन, ये टेन हो जाएगा, फिर माइनस के यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा थ्री लेंगे, इसको और इसको नहीं लेते, टू टू जो फोर माइनस नाइन, ये माइनस फाइव हो जाएगा, फिर प्लस थ्री, इसको और इसको नहीं लेंगे, माइनस टू जो फोर माइनस फोर और माइनस सिक्स, ये हो जाएगा माइनस टेन। सॉल्व करते हैं, टेन टू जो ट्वेंटी, ये आ जाएगा माइनस फिफ्टीन, ये आ जाएगा माइनस थर्टी, थर्टी फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव में से ट्वेंटी गए, ये कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव, तो ए डिटरमिनेंट आ गया हमारा माइनस ट्वेंटी फाइव। आप देखो ए डिटरमिनेंट निकाल दिया, अब क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, टू माइनस थ्री थ्री, टू टू थ्री थ्री माइनस टू टू, ये मैंने उतार दिया। उसके बाद मैंने कहा था पहला वाला और दूसरा वाला कॉलम रिपीट करते हैं, तो टू टू थ्री, फिर माइनस थ्री टू माइनस टू, फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको रिपीट कर, सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों को दोबारा रिपीट करते हैं, थ्री टू माइनस थ्री, फिर दूसरा है टू टू थ्री टू थ्री टू, फिर टू टू, पहला पहला कैंसिल। उसके बनाते हैं मैट्रिक्स, क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं, कॉलम वाइज लिखते हैं रोज वाइज, टू टू जो फोर फोर माइनस माइनस प्लस, थ्री टू जो सिक्स कितना आएगा टेन टेन, फिर इसको करते हैं माइनस सिक्स माइनस एक और है तो प्लस हो जाएगा, थ्री टू जो सिक्स कितना आएगा जीरो, फिर इसको करते हैं थ्री जो नाइन माइनस नाइन और माइनस सिक्स कितना आएगा माइनस फिफ्टीन। ठीक है, उसके बाद ये वाला थ्री थ्री जो नाइन और माइनस फोर तो कितना आएगा फाइव, फिर ये हो गया, फिर टू टू जो फोर टू टू जो फोर और माइनस नाइन कितना आएगा माइनस फाइव, फिर ये भी हो गया थ्री टू जो सिक्स माइनस सिक्स ये कितना हो गया ज़ीरो, उसके बाद ये भी हो गया, अब ये माइनस फोर माइनस फोर ये आएगा माइनस सिक्स कितना आएगा माइनस टेन, ये हो गया, फिर उसके बाद माइनस नाइन माइनस नाइन यहाँ आएगा प्लस फोर कितना आएगा माइनस फाइव, फिर ये वाला ये भी हो गया टू टू जो फोर माइनस माइनस प्लस थ्री टू जो सिक्स कितना आएगा टेन, ये आ गया, और हमारा ए डिटरमिनेंट कितना आया था माइनस ट्वेंटी फाइव। अब इसको इसे डिवाइड करते हैं, माइनस ट्वेंटी फाइव से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो इससे होगा
क्या होगा 10/25, 5 2 5 5 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/5, 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 15 से करेंगे तो 15 से काटेंगे इसको 15 25, 5 3 जा और 5 5 जा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। उसके बाद 20 -25 5 से होगा तो यहाँ कितना आएगा -1/5, माइनस में प्लस हो जाएगा फिर 1/5, 0 के साथ 0, फिर 10 से होगा, 10 से 2/5 आया था, माइनस में प्लस तो 2/5 आ गया। उसके बाद -5 को 5 से करेंगे, 5 माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 25, 1/5, फिर 10 को 25 से करेंगे, 2/5 आता है, एक माइनस है तो -2/5, ये बन गया हमारा A इनवर्स, ठीक है, A इनवर्स।